हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों आज के सेशन में हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द गर्ल विथ क्रचेस। क्रचेस इसका मतलब होता है बैसाखी। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैसाखी लेके चलते हैं, जिनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती है, हैंडीकैप्ड होते हैं, तो जो बैसाखी होती है उसको बोलते हैं क्रचेस। द गर्ल विथ क्रचेस यानी कि बैसाखी वाली लड़की, बैसाखी के साथ लड़की। तो ऐसी ही एक लड़की की इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। सो चैप्टर नंबर 15, द गर्ल विथ क्रचेस, लड़की बैसाखी के साथ, बैसाखी वाली लड़की। सबसे पहले हम वार्मर में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। डू यू नो एनी पर्सन हु इज डेफ, डम, ब्लाइंड और लेम। यानी क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कि डेफ यानी कि जो सुन नहीं सकता, या फिर डम यानी जो बोल नहीं सकता, या फिर ब्लाइंड यानी जो देख नहीं सकता, या फिर लेम जो चल नहीं सकता। इस तरह के किसी व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो अगर आप जानते होंगे तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यस आई नो अ पर्सन हु इज डेफ या फिर डम, जो भी आपका आंसर होगा। या फिर नहीं जानते तो नो आई डोंट नो एनी पर्सन हु इज डेफ, डम, ब्लाइंड और लेम। फिर सेकेंड जो पोर्शन है, इज इट प्रॉपर टू थिंक दैट सच पर्सन्स आर वर्थलेस और बर्डन ऑन द सोसाइटी। तो पूछा जा रहा है कि क्या ये सही है ऐसा सोचना कि ऐसे व्यक्ति जो कि डेफ हो, डम हो या फिर ब्लाइंड या लेम हो, ऐसे व्यक्ति समाज के ऊपर एक भार है, एक बर्डन है, या फिर उनका कोई जो है वर्थ नहीं है, उनका कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑफकोर्स दैट इज इट इज नॉट प्रॉपर, है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है इस तरह का सोचना। क्योंकि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप होते हुए भी जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, तो इसलिए It is not proper to think. फिर थर्ड जो है इसका पार्ट, कैन यू नेम सम फेमस पर्सन्स हु आर फिजिकली चैलेंज्ड। क्या आप कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं और जो कि फेमस हो, जो बहुत प्रसिद्ध हो और फिजिकली चैलेंज्ड है? तो आप ऐसे व्यक्तियों के नाम, जैसे सुधा चंद्रन, शी इज अ ग्रेट डांसर, एक्टर, है ना, बहुत ही महान वो डांसर है, एक्टर है। इसी तरह से और कई सारे लोग हैं जिनको कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको उनके नाम पता चलेंगे, जिन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं अपनी लाइफ में। आइए अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग, आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, द क्लासेस वर रनिंग प्रॉपरली। यानी कि मंडे मॉर्निंग थी, सोमवार की सुबह थी, मैं अपने ऑफिस में स्कूल की रिपोर्ट बनाने में, ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों के बारे में रिपोर्ट बनाने में मैं बिजी था। The classes were running properly. जो क्लासेस थी वो अच्छे से चल रही थी। May I come in, sir? A silky voice came into my ears. तभी एक आवाज, एक रेशमी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी और उसने कहा, May I come in, sir? यानी कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? I raised my head and saw a girl with crutches standing at the door. तो मैंने अपना सिर उठाया और देखा एक लड़की खड़ी है, जिसके एक लड़की दरवाजे पर खड़ी है, girl with crutches, जो कि बैसाखी लिए हुए है। An elderly lady clad in a sari was standing just behind her. एक बड़े उम्र की औरत, एक उम्रदराज औरत उसके साथ ही खड़ी हुई थी, clad in a sari, यानी कि साड़ी में लिपटी हुई, साड़ी पहने हुए एक बड़ी उम्र की औरत उसके पीछे ही खड़ी हुई थी। Please come in, I said. They came in. मैंने उनसे कहा कि प्लीज अंदर आ जाइए, और वे अंदर आई। I offered the lady a chair to sit in. Sit on. I also asked the girl to sit, but she politely refused. तो मैंने उस औरत को, उस लेडी को जो है बैठने के लिए कहा, चेयर टू सिट ऑन, एक कुर्सी पे बैठने के लिए कहा, और उस लड़की को भी कहा कि तुम भी बैठ जाओ, लेकिन उसने बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया, refused यानी मना कर दिया। Thank you sir, but I would better keep standing. और उसने कहा कि शुक्रिया सर, लेकिन मैं खड़ी ही ठीक हूँ। What can I do for you? I asked the lady. मैंने उस औरत से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Master Sahib, she is my daughter. She wants to get admission in your school, she said. तो उस औरत ने कहा कि Master Sahib, ये मेरी बेटी है और इसको आपके स्कूल में एडमिशन चाहिए, आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है। Now I looked at the girl again. अब मैंने फिर से उस लड़की को देखा। She was about 10 years old and had an innocent, lovely face. वो करीब करीब 10 साल की थी और बड़ा ही प्यारा सा भोला भाला उसका चेहरा था, उसकी शक्ल जो थी बहुत ही मासूमियत से भरी हुई थी। She was standing with the help of the crutches under her armpit. तो वो जो है वो खड़ी थी बैसाखी की सहायता से, armpit यानी कि जो बगल है, बगल में अपने
बैसाखी लिए हुए उसकी सहायता से वो खड़ी हुई थी। Her right leg was thin and short. उसका जो सीधा वाला पैर था, दाहिना पैर, वो बहुत ही पतला सा और छोटा था। What is your name, बेटा? I asked her. मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? Sir, my name is Sabra, Sabra Tarannum. May I get admission in the school, sir? She asked me. तो उसने कहा कि सर मेरा नाम है सबरा, सबरा तरन्नुम, क्या मुझे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, क्या मैं यहाँ पे पढ़ सकती हूँ? देखिए, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये बच्ची है वैसाखी के साथ और किस तरह से एडमिशन के लिए यहाँ पे खड़ी है। बिफोर आई कुड रिप्लाई हर मदर इंटरप्टेड, इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता उसकी माँ जो थी उसने बीच में ही बोला, उसने इंटरप्ट किया। इंटरप्ट करना यानी कि बीच में बोलना। तरन्नुम इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल, उन्होंने कहा कि तरन्नुम एक बड़ी अभागी लड़की है। अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट यानी कि भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट यानी कि जस्ट उसका उल्टा, अभागी लड़की है। She suffered from polio when she was only 3 years old. जब वो सिर्फ 3 साल की थी तभी उसको पोलियो हो गया। We went to many doctors but in vain. हम कई सारे डॉक्टर्स के पास गए लेकिन सब बेकार गया। She is unable to use her right leg. वो अपना दाहिना पैर, सीधा पैर जो है उसको इस्तेमाल करने में अनेबल है, असमर्थ है। She is a handicapped, a burden on the family. ये एक handicapped है, handicapped यानी कि जिसको हम हिंदी में अपाहिज बोलते हैं। ये लड़की एक handicapped है, अपाहिज है और हमारी परिवार पे एक भार है, burden है। इतना मतलब उसकी माँ होके वो इस तरह की बातें अपने बच्चे के लिए कर रही थी। Now she insists on going to school. Is it possible, sir? अब इसने जिद पकड़ ली है, अभी जो है बहुत जोर दे रही है कि इसको स्कूल जाना है। क्या ये संभव है सर? How can she keep pace with others in the class? वो किस तरह से क्लास के और बच्चों के साथ जो है अपनी पेस, अपनी जो है उनके साथ किस तरह से मेल खाएगी, क्योंकि ये उनसे अलग है। After all, she is not like other girls. क्योंकि आखिरकार वो दूसरे लड़कियों जैसी नहीं है, तो क्या वो उनके साथ तालमेल बिठा के चल पाएगी, कर सकेगी? इस पर जो है जो सर होते हैं वो कहते हैं प्लीज डोंट से सो, वो कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत कहिए। शी इज नीदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैप, वो ना तो अभागी है ये लड़की और ना ही जो है हैंडीकैप्ड है। शी इज अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ये बच्ची जो है ऐसी बच्ची है विद स्पेशल नीड्स, जिसको कुछ जो है ज्यादा जरूरतें हैं, है ना, स्पेशल नीड्स। इंग्लिश में जो है अभी आजकल इस तरह के वर्ड्स हमने बोलना बंद कर दिया है। हम लोग इस तरह के बच्चों को जो कि फिजिकली चैलेंज होते हैं, हम उनके लिए बोलते हैं फिजिकली चैलेंज या फिर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर, आई सेड, तो मैंने उनसे कहा कि इस बच्चे के जैसे हजारों बच्चे हैं, हजारों लोग हैं इस दुनिया में। यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल? शी वॉज स्टिल नॉट श्योर, तो उसने कहा कि क्या आपका मतलब है कि आप इसको आपके स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं? शी वॉज स्टिल नॉट श्योर, यानी कि वो अभी भी इस बात के लिए श्योर नहीं थी, उसको पक्का नहीं था। ऑफ कोर्स, एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर हर, आई सेड इन अ फर्म वॉइस, तो मैंने उनसे कहा हाँ जरूर, और हम इसको जो है बहुत ही स्पेशल फैसिलिटीज भी देंगे, सुविधाएं भी देंगे। आई सेड इन अ फर्म वॉइस, मैंने उसको बहुत ही फर्म वॉइस यानी कि दृढ़ आवाज में कहा कि इसको जो चीज की जरूरत होगी हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे। आई सॉ द गर्ल साई इन रिलीफ, मैंने देखा कि वो जो लड़की थी उसको एक चैन की सांस आई। आई कॉल्ड मंजू मैडम एंड आस्क्ड हर टू इंटरव्यू द गर्ल टू डिसाइड अबाउट द क्लास, तो मैंने मंजू मैडम को बुलाया और उनसे कहा कि इस बच्ची का इंटरव्यू ले, साक्षात्कार ले, ताकि वो ये डिसाइड कर सके, निर्णय ले सके कि इसको किस क्लास में एडमिशन देना है। आफ्टर हाफ एन आवर शी केम बैक विद द गर्ल, करीब आधे घंटे के बाद वो उस लड़की के साथ वापस आई। सर, तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल, शी कैन इजिली बी एडमिटेड इन क्लास 6, मंजू मैडम सेड। तो इस पर मंजू मैडम ने कहा कि सर ये बहुत ही प्रतिभावान लड़की है और इसको हम आसानी से 6 क्लास में एडमिशन दे सकते हैं। तरन्नुम प्रूव्ड हरसेल्फ an ideal student. She became very popular in the school in no time. तो तरन्नुम ने अपने को बहुत ही अच्छा साबित किया बहुत ही कम समय में और जो है famous हुई काफी कम time में school के अंदर. She was a good singer and painter as well. वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी और painter भी थी बहुत अच्छी. However, she seemed to pity herself when she saw other students playing kabaddi or kitkit during lunch hour. हालांकि जब वो दूसरी लड़कियों को, दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती थी कबड्डी या फिर कितकित जो है लंच आर में, यानी कि जब लंच होता है उस समय, तब उसको अपने आप पर दया आती थी, वो दुखी हो जाती थी।
On such occasions, I used to narrate to her the success stories of Helen Keller, Louis Braille, Milton Homer, Stephen Hawking, Surdas, Ravindra Jain and Sudha Chandra. तो जब वो इस तरह से दुखी होती थी तब मैं उसको जो है बहुत ही जो प्रसिद्ध लोगों की कहानियां, जो हैंडीकैप लोग जो कि प्रसिद्ध हैं, उनकी कहानियां सुनाता था, जो कि नाम अभी मैंने लिए, हेलेन केलर, लुई ब्रेल, मिल्टन होमर, स्टीफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन, सुधा चंद्रन, इन जैसे लोगों की कहानियां उसको सुनाता था. इट गेव हर इंस्पिरेशन एंड रेज ऑफ होप पीप्ड थ्रू हर आईज. इससे उसको मोटिवेशन मिलता था, प्रेरणा मिलती थी और जो है उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की किरणें जागती थी. टाइम रोल्ड ऑन, आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब. समय बीतता गया, मैं अपनी जॉब से रिटायर हो गया. वन डे अ थ्री व्हीलर डैश्ड मी. एक दिन एक थ्री व्हीलर ने, तिपैया वाहन ने मुझ पे जो मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया तिपैया वाहन से. आई फेल डाउन एंड बिकेम अनकॉन्शियस. मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया. अब बच्चों आगे क्या होता है स्टोरी में, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को देखते हैं. वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंक एंड टेल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको ओरली लर्न करने हैं आंसर्स इसके. हु इज आई इन द स्टोरी. कहानी में आई ये किसके लिए यूज किया गया है पूरी स्टोरी में. द नैरेटर, द टीचर. टीचर अपनी अपनी तरफ से बता रहा है, तो वो नैरेटर भी हुआ और वो टीचर है. हु वॉज द एल्डरली लेडी. बड़ी उम्र की औरत कौन थी. सबराज मदर, सबरा की माँ थी. Why had the girl come to school? लड़की स्कूल क्यों आई थी. To get admission in the school. स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वो वहां आई थी. Which class was the girl admitted in? लड़की को किस क्लास में एडमिशन मिला. क्लास 6. ये 4 यहाँ गलती से लिखा है, आप इसको क्लास 6 लिखिएगा. Who was the doctor? डॉक्टर कौन था. सबरा तरन्नुम. जो एंड में जब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में तो एक डॉक्टर हमें दिखती है, तो वो सबरा तरन्नुम. Think and write answer in a word or a sentence. एक शब्द में या फिर सेंटेंस में हमें आंसर लिखना है. What was the teacher doing in his office? टीचर अपने ऑफिस में क्या कर रहा था. Preparing a report. एक रिपोर्ट बना रहा था. Which leg of the girl was affected by polio? लड़की का कौन सा पैर पोलियो से इफेक्टेड था. राइट लेग, जो दाहिना पांव था वो. What did the girl do when other students played? लड़की क्या करती थी जब और बच्चे खेलते थे. Watched them sadly. वो दुखी होके उनको देखती थी. What did the girl become at last? आखिर में लड़की क्या बनी. A doctor. वो डॉक्टर बनी. इस चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि लड़की डॉक्टर बन गई. Why did the girl say please don't call me madam? लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि प्लीज आप मुझे मैडम मत कहिए. The girl was the teacher's ex student, so she said thus. जो लड़की थी वो टीचर की एक्स स्टूडेंट थी, इसलिए उसने ऐसा कहा. अब देखिए फिर से क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये थोड़े से हमारे लॉन्ग है पहले क्वेश्चन आंसर्स से. व्हाई डिड द टीचर कॉल द गर्ल अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड. टीचर ने उस लड़की को ऐसा क्यों कहा चाइल्ड विद स्पेशल नीड. सबरा वॉज हैंडीकैप्ड बट वॉज एम्बिशियस टू स्टडी. सबरा जो थी वो अपाहिज थी, हैंडीकैप थी, लेकिन उसको एम्बिशन था, महत्वाकांक्षी थी पढ़ने के लिए. So the teacher called her, so इसलिए टीचर ने उसको ऐसा कहा. Why did the mother call the girl a burden? माँ ने बच्ची को a burden, एक भार क्यों कहा. Was she really a burden on the family? क्या वो सच में अपने परिवार के लिए एक भार, एक burden थी. Sabra was handicapped, so her mother said her a burden. तो चूंकि वो handicapped थी, अपाहिज थी, इसलिए उसको उसकी माँ ने burden, भार कहा. No, she was not a burden on the family. तो नहीं, वो अपने परिवार पे कोई भार नहीं थी. How did the teacher encourage the girl? टीचर ने अपने जो जो लड़की थी उसको किस तरह से मोटिवेट किया, उसको किस तरह से एनकरेज किया. The teacher narrated her the stories of some famous handicapped persons. उसको प्रसिद्ध हैंडीकैप्ड लोगों की कहानियां बता के, जो कि उस तरह से उसने टीचर ने उसको मोटिवेशन दिया, प्रेरणा दी. How did Tarannum prove that she was not inferior to other children? किस तरह से तरन्नुम ने प्रूव किया, साबित किया कि वो और बच्चों से इंफीरियर नहीं थी. तरन्नुम became a lady doctor after her studies. तो पढ़ाई खत्म करने के बाद वो एक लेडी डॉक्टर बनी. Thus she proved that she was not inferior to any other child. और इस तरह से उसने ये साबित किया कि वो किसी भी तरह से किसी दूसरे बच्चे से जो है इंफीरियर या फिर कम नहीं थी.
तो बच्चों आज हमने स्टोरी जो पढ़ी है बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर हमें कोई भी कमी हो, शारीरिक कमी, मानसिक कमी, तो हमें उसको चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये चीज है इसलिए हम, हमारी आंखें वीक है तो हम ये नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से कोई भी अगर कमी है तो उसको चैलेंज की तरह से लेके, और हमारे पास आज इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं लोगों की जो कि इस तरह के कोई कमी होने के बावजूद बहुत बड़े बड़े उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं अपनी लाइफ में। तो अगर है तो आपको उस चीज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। खुद ही मोटिवेट हुई है, अगर आपकी फैमिली आपको मोटिवेट करती है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी नोट पे आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।